पहाड़ी कैनेडियन चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि मैं आपके लिए नए नए ब्लॉग लेके आता हूँ, तो आज मैं एक नए टॉपिक के लिए पर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रीट रोड जो कैनेडा में होते हैं विंटर के टाइम में, वो कैसे है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो न्यू है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और मेरे वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना करें, ताकि जो मैं यहाँ का व्यू है वो मैं सोचता हूँ कि हर बंदे के पास पहुँचना चाहिए और वो उसका एंजॉय ले। तो मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि मैं आपके लिए नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आता रहूँ और आपको घर बैठे ही पूरा कैनेडा का व्यू दिखाता रहूँ, जिससे कि आप पूरा एंजॉय लें। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपनी वीडियो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो आप मेरी वीडियो पर बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको लेक दिखाऊंगा जो मेरे घर के पास है, वो अब पूरी तरह जम चुकी है, तो उसका व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आज वेदर काफ़ी अच्छा है, सनी है, लेकिन बाहर ठंड भी बहुत है। ये आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर गाड़ियाँ चली हुई है वहाँ पर काला काला जैसा हो गया, मिट्टी वाला जैसा हो गया है। तो इससे हमारे को रोड की एग्जामिन हो जाती है कि यहाँ पर रोड है, नहीं तो स्नो से जब कवर हो जाता है तब हमें दिखता नहीं है। और ये आप देख रहे हैं आपके राइट साइड से में ये एरेट का साइन है, मतलब कि स्टॉप, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लेना है, फिर एक बारी लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट देके फिर आपको टर्न करना है। ये सबसे अच्छा है इधर, ये जगह जगह पर है। यहाँ देखो, यहाँ ये स्टॉप, अब यहाँ भी हमें स्टॉप लेके, फुल स्टॉप लेके लेफ्ट राइट, फिर कोई गाड़ी नहीं आ रही हो फिर हम मूव करना है। यहाँ स्नो में छोटी गाड़ी भी चलती है, बड़ी गाड़ी भी चलती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड जो है एकदम क्लीन कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं साथ में पैदल चलने के लिए बना हुआ है, वो भी पूरा क्लीन है। और ये रोड है, सारी जो बर्फ है साइड कर देते हैं, वो ये उठा लेते हैं या यहाँ पर नमक फेंक देते हैं जिससे ड्राइविंग ईजी हो जाएगी। राइट हैंड साइड में बस स्टॉप भी है, यहाँ पर बसें रुकती है। जो जैसे जहाँ पर पब्लिक एरिया होता है, जहाँ पर लोगों के घर रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर ये स्टॉप और एरेट वाला ज़्यादा होता है कि कई बार यहाँ से लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा स्पीड में ना चले। और ये अपने लेफ्ट में देखिए स्कूल बस आ रही है, कनाडा की स्कूल बस। काफ़ी गंदा है आज, मौसम ठंडा है लेकिन रोड थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि स्नो पिघल रही है। बच्चे भी स्कूल के लिए जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब कोविड के केस कम हो रहे हैं तो इन्होंने स्कूल खोल दिए है यहाँ पर। यहाँ देखिए
बच्चे आ रहे हैं। स्ट्रीट बहुत सुंदर हो जाती है यहाँ पर जब विंटर में, देखिए आप कितनी सुंदर लगती है, स्नो हरे भरे साइड की होती है और बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ पर विंटर में। इस बार ही तो स्नो भी मेरे को लगता है ज़्यादा पड़ी हुई है यहाँ पर। कंडीशन यहाँ पर वैसे तो ठीक है लेकिन जितनी ज़्यादा ठीक होनी चाहिए उतनी नहीं है, क्योंकि विंटर में स्नो के कारण काफ़ी ज़्यादा रोड ख़राब हो जाते हैं। मैक्सिमम आप 40 की स्पीड में जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं यहाँ पर जा सकते आप। और जो आपका स्कूल जोन होगा वहाँ पर आप सिर्फ 30 की स्पीड में जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। पर देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड में 30 का बोर्ड है, क्योंकि अब स्कूल जोन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर स्कूल है तो आप यहाँ पर 30 से ज़्यादा नहीं जा सकते वरना चलान हो जाता है। कभी पुलिस वाले खड़े होते हैं साइड में तो वो देख लेंगे तो चलान हो जाता है। विंटर में कनाडा देखने वाला होता है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू होता है, सारा ही स्नो से कवर्ड होता है, बिल्कुल वाइट ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद चादर बिछी हुई है। लेकिन यहाँ पर स्नो जो है वो सैंड की तरह है, ज़्यादा वैसी नहीं है जैसे अपने क्रिस्टल वाली होती है, वैसी स्नो नहीं है यहाँ की। वो पैदल चलने वाले आगे चले हुए हैं, जब तक वो रोड क्रॉस नहीं करते तब तक हम चल नहीं सकते। यहाँ पर ऑलवेज जो है प्रेफरेंस जो दी जाती है वो पैदल चलने वाले को दी जाती है कि वो सेफली पहले रोड क्रॉस कर ले उसके बाद हम चलेंगे, तब तक आप चल नहीं सकते। ये ऊपर आप ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ पर ये मेट्रो चलेगी यहाँ से डाउनटाउन के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन चला रहा है। अब ये कंप्लीट नहीं होगी, ये विंटर है तब वो काम रुक गया है। अब आपने देखा लेफ्ट और राइट में ऑरेंज जैसे बोर्डों पर साइन लगा हुआ है कि अगर आपने लेफ्ट को मुड़ना है तो उस रो में रहिए, अगर राइट को मुड़ना है तो उस रो में रहिए। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट है आगे, तब हम रुके हुए हैं, जब तक हमारा ट्रैफिक लाइट नहीं आएगी तब तक हम आगे चल नहीं सकते।
आइए आप, साथ में अपार्टमेंट है लेफ्ट में, तो मैं आपको लेक की तरफ लेके जाऊंगा। मेरा अपार्टमेंट तो यहीं पर है, लेकिन मैं आपको लेक की तरफ लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर जो है स्ट्रीट में काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है, क्योंकि आई थिंक, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ स्नो बहुत ज़्यादा होती है। क्लीनिंग नहीं करते पता नहीं क्यों, लेकिन ये देखो घर के बाहर सारों ने टेंट लगाए होते हैं, ये स्नो के लिए होते हैं कि आपको जहाँ आपने गाड़ी खड़ी करनी होती है, मतलब कि ड्राइववे पर, वहाँ स्नो ना पड़े, तब आप यहाँ टेंट लगा सकते हैं विंटर के टाइम में। और अभी आप देख सकते हैं पूरी वाइट है यहाँ पर, वहाँ सड़क का पता नहीं लगता है कि सड़क है कि नहीं है, बस आपको अंदाजे से चलना है। ना आपको येलो लाइन दिख रही है, ना वाइट लाइन दिख रही है, यहाँ पर कोई नहीं दिख रही है आपको, लेकिन बहुत ही सुंदर है। यहाँ घर की कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी हुई है, घर भी बहुत सुंदर लगते हैं। आप कितना सुंदर नज़ारा है, सच में कनाडा बहुत सुंदर है। और जो जिस रोड पे मैं अभी आया हूँ, यहाँ पर घर भी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये सामने परे लेक है, यहाँ से लेक आपको दिखाई नहीं देगी, तो मैं पहले कहीं गाड़ी खड़ी करूँगा, फिर आपको आराम से लेक दिखाऊँगा कि लेक पूरी तरह जम चुकी है। यहाँ लोग घूमने ज़रूर आते हैं, ये चीज़ अच्छी है लोगों की, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लोग यहाँ घूमने आते ही रहते हैं, मतलब कि वो उनका शेड्यूल है, उन्होंने घूमना है तो घूमना ही है। यहाँ पर रोड भी क्लीन है, यहाँ पर जो स्पीड है वो 30 की है, इससे ज़्यादा नहीं हम चला सकते। सामने तीन फ्लैट है, बिल्डिंग है फ्लैटों वाली, काफ़ी सुंदर लगती है ये दूर से जब देखते हैं हम, बहुत ही सुंदर है।
कितना सुंदर घर है। गाड़ी खड़ी करने को मना किया हुआ है, तो मैं आपको चलती हुई गाड़ी से ही दिखा सकता हूँ, या मैं स्ट्रीट में किसी में खड़ी करके गाड़ी अपनी फिर आपको दिखाता हूँ। वैसे आप देख सकते हैं साइड में ये पूरी लेक जम चुकी है अभी। करता हूँ उसके बाद मैं आपको गाड़ी यहाँ साइड में लगा दी है स्ट्रीट में। अलाउड तो नहीं है लेकिन अगर पुलिस वाले आ गए तो मेरा चलान हो जाएगा। देखिए ये लेक है जो पूरी तरह जम चुकी है। जैसे समर में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर मैं वॉक करने आता था तो कई किश्तियाँ लेके वोट लेके अपनी आए होते थे, तो अब आप देखिए ये पूरी लेक जमी हुई है। जहाँ जहाँ तक आप देख सकते हैं पूरी लेक जम चुकी है। देखो विंटर में भी कई वॉक करने आते हैं।
देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ के स्ट्रीट और कैसा रोड कंडीशन है विंटर के टाइम में, और जो लेक है वो भी पूरी तरह जम चुकी है, तो आप देख ही सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर करना, और जो न्यू व्यूअर है वो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता रहूँ। तो बस, थैंक यू।